आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया साइन न्यूज एजेंसी की लाल टेन के 596 एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी का आधा अधूरा रैक पॉइंट, यहाँ हम खड़े हुए। इस रैक पॉइंट पर एक मालगाड़ी आपको हमारे पीछे दिख रही होगी, ट्रक्स वहां पर लोड हो रहे हैं। ऊपर अगर आप देखें तो लाइट, स्ट्रीट लाइट दिन में जलते हुए आपको दिखाई दे रही है। पता नहीं किस तरीके की व्यवस्थाएं सिवनी में रेलवे को लेकर की जा रही है, क्योंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्सा की हम बात कर रहे हैं। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ये देखना चाहिए। ट्रैक पॉइंट पर जो भी तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों को लेकर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा पत्र लिखा गया था रेल मंत्री को। लगभग 2-2.5 साल बीतने के बाद भी अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जो सबसे बड़ी विडंबना की बात मानी जा सकती है, शोध का विषय माना जा सकता है। रैक पॉइंट के रेलवे स्टेशन वाले सिरे पर, इस तरफ अगर रेलवे स्टेशन वाले सिरे की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर ट्रकों की आवाजाही वहां से है। इस तरफ पूरा गर्डर लगाकर बंद कर दिया गया है। सड़क बनाने का औचित्य इस तरफ क्या है, ये समझते पर है। दो बैरियर लगाए जा सकते थे, जिन बैरियर के जरिए इस रोड को अवरुद्ध किया जा सकता था। नीचे आप देख रहे होंगे लगभग 1.5-2 सालों से यह सड़क यहाँ पर बन रही है, अभी तक ये सड़क बन नहीं पाई है। धूल उड़ती हुई आपको दिख रही होगी, अगर आप दूर देखें इस तरफ तो आपको धूल वहां पर, धूल के गुबार उड़ते हुए दिख रहे होंगे। कोविड में लोगों के फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड में जो लोगों के फेफड़े प्रभावित हुए हैं और उसके बाद भी धूल पकाई जा रही है लोगों के यहाँ पर रेलवे के द्वारा। अगर हम आपको थोड़ा सा आगे ले जाएं, ये बरघाट नाके, हमारे पीछे बरघाट नाके का हिस्सा हम आपको दिखाएंगे, गर्डर लगाकर यहाँ पर बंद किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सड़क यहाँ पर बनाई गई है, और सड़क को अगर आप यहाँ से दिखाइए तो ये पूरी सड़क आपको यहाँ बंद दिखाई देगी। सड़क यहाँ पर बंद है, हमारे पीछे धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी जाती हुई आपको दिख रही है, धूल उड़ रही है। पता नहीं रेलवे सांसद की बात सुनना नहीं चाहती, सांसद की बात सुनती नहीं है, या रेलवे आखिर क्या करना चाह रही है पता नहीं। एक यहाँ पर वाहन खड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा, सड़क पर मक्का सूख रहा है। यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ हमारे पीछे यहाँ सड़क पर मक्का सूखता हुआ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, मक्का सूख रहा है। और रेलवे की सड़क करोड़ों रुपए खर्च करके ये परियोजना यहाँ पर लगभग 1200 करोड़ रुपए में ये परियोजना पूरी हुई है जैसा बताया जाता है, और उसके बाद सड़क पर यहाँ मक्का सूख रहा है। आप देख रहे होंगे मक्का यहाँ से लेकर वहां तक फैला हुआ है। आप नेशनल हाईवे पर चले जाइए, सर्विस रोड जो भी होते हैं उन सर्विस रोड पर मक्का सूखता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। पता नहीं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं केंद्र सरकार की। लोकसभा चुनाव ये मान के चला जा सकता है कि 4 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई में हो जाएंगे, और अगर लोकसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र पोषित योजनाओं पर सांसद की पकड़ ढीली अगर है। बालाघाट में सांसद हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वे 4 बार विधायक रहे हैं, प्रदेश सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, और मंत्री रहने के बाद भी अगर उनकी पकड़ इस तरीके से ढीली है तो क्या कहा जाए उसे। ये बिजली का एक खंभा आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, बिजली के खंभे में ऊपर आप देखेंगे अगर तो एक लाइट जलती हुई दिख रही होगी, दूसरी तरफ की लाइट फ्यूज है, टिमटिमा रही है। आखिर क्या वजह है, क्या बात है, क्यों इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता, दिया जा रहा है। ध्यान देगा तो आखिर देगा कौन, सांसद को यहाँ ध्यान देना चाहिए। सांसद सिवनी में रहते हैं, सिवनी उनका निवास है, सिवनी शहर में ही हम खड़े हुए हैं, दिन के समय पूरी लाइट जल रही है, सूरज भगवान भास्कर उनका तेज बहुत कम है, सर्द हवाएं सुरखा चल रहा है। आज यहाँ हम खड़े हुए 18 दिसंबर, हम आपको एक बार बता दें 18 दिसंबर को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया 15 साल अपने पूरे कर रही है, 16वें साल में प्रवेश कर रही है। हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से आपको पल पल के अपडेट्स हम देते आए हैं, और हम आपको लगातार ही अपडेट्स आगे भी देंगे।
बरघाट नाके का देखिए इस तरफ अगर हम आपको दिखाते हैं तो ये बरघाट नाके की रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रही है। और ये एक वाहन खड़ा हुआ है, इस वाहन के पीछे ये रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह पर मक्का सूख रहा है। जीआरपी का पता नहीं, आरपीएफ का पता नहीं, और हमारे पीछे यहाँ से वहां तक आप देखिए पूरा मक्का सूख रहा है। करीब से अगर हम इसको और करीब से आपको दिखाएं तो यहाँ पर यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मक्का सूख रहा है। किसका मक्का है, क्या रेलवे इसे जब्त करेगा? यहाँ पर अवेयरनेस की कमी, जागरूकता की कमी साफ तौर पर दिख रही है। ट्रैक के बीच में से देखिए दो बालिकाएं वहां चली जा रही हैं, दोनों पटरियों के बीच में। पता नहीं कब यहाँ पर जागरूकता फैलाने का काम रेलवे के द्वारा किया जाएगा। जागरूकता रेलवे के द्वारा निश्चित तौर पर फैलाई जाती रही होगी, पर वो सिर्फ कागजों में ही अगर जागरूकता फैलाई जा रही है तो ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए ये पूरा मक्का यहाँ पर सूखता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वाहन भी यहाँ पर खड़ा दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। रेलवे का रैक पॉइंट, हमारे पीछे रेलवे का रैक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मालगाड़ी खड़ी हुई है। अभी भी रैक पॉइंट आरंभ होने के लगभग 2-2.5 साल बाद भी यहाँ शेड नहीं है, मजदूरों के बैठने के लिए कोई शेड नहीं है, मजदूरों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। मजदूरों के संगठन भी पूरी तरह मौन ही धारित किए हुए यहाँ पर नजर आते हैं। शेड नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, उनके प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं। आरटीआई में अगर आप जानकारी मांगते हैं तो यहाँ कोई शेड प्रस्तावित है ही नहीं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बघेल आपको ये जानकारी दे रहे हैं हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से कि यहाँ मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी कैंटीन नहीं है, मजदूरों के लिए शेड नहीं है, मजदूरों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूरों के प्रसाधन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके आराम करने की व्यवस्था नहीं। सिवनी जिला मुख्यालय है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, केवलारी में जो यहाँ से छोटा रेलवे स्टेशन है जहां पर अभी कोई ट्रेन नहीं रुकती है जबकि सिवनी में इतनी सारी रेलगाड़ियां रुक रही, उसके बाद भी केवलारी में एक शेड बना हुआ है। हमने आपको दिखाया भी है कि उस शेड में मजदूरों को बैठे भी दिखाया, मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था भी वहां थी, पर सिवनी जिला मुख्यालय में कोई व्यवस्था नहीं। आखिर इस पूरी मामले को क्या कहा जाए, ये सोचना, ये विचारना, ये काम निश्चित तौर पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आपका है, क्योंकि आपके संसदीय क्षेत्र का यह मामला है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी की मंशाएं बहुत साफ हैं, वे चाहते हैं कि हर मजदूर को उसका हक मिले, और आप उसका हक किस तरह से दिला रहे हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मंशाओं को आप किस तरह से जमीन पर उतार रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं, उसकी एक वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ शेड नहीं है, यहाँ मक्का सूख रहा। डीआरएम नागपुर, जनरल मैनेजर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक, क्योंकि ये वाणिज्यिक प्रबंधक के कमर्शियल मैनेजर के अंडर में उनके अधीन ये आता है, और कमर्शियल मैनेजर को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। कोई जीआरपी यहाँ नहीं दिख रही है, कोई आरपीएफ का बंदा यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई एक यहाँ पर रेलवे का कारिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा है। और पीछे आप देख रहे होंगे किस कदर दूर यहाँ से वहां तक हो रही है, लोगों के फेफड़े छलने होते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। वैसे भी कोविड में लोगों के फेफड़े पर सबसे ज्यादा असर हुआ, और उस सबके साथ अभी अब आपको हम यहाँ आगे भी लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन बार, खुला आहता यहाँ पर बना हुआ है। आपको यहाँ अगर आप देखेंगे डिस्पोजेबल ग्लास मिलेगी, शराब की बोतलें मिलेंगी। अगर हम और थोड़ा सा आपको अंदर लेकर चलते हैं, अगर यहाँ से हम अंदर जाएं तो यहाँ पर रेलवे का ये जो रैक पॉइंट बना हुआ है, इसकी गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है, इसकी गुणवत्ता यहाँ पर बहुत अच्छे कतई नहीं कही जा सकती है। ये देखिए आप अगर करीब से यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्लीपर्स पड़े हुए दिखाई देंगे, स्लीपर रखे हुए हैं साथ में। इसके अलावा आपको डिस्पोजेबल ग्लास, पानी के पाउच, नमकीन, ये शराब की बोतल यहाँ देखिए ये पड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है।
अब इसे क्या कहा जाए, आपने इसे बंद कर दिया है, रेलवे के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है, पर उसके बाद भी लोग यहाँ इस रेड पॉइंट की इस सड़क का, क्योंकि नीचे धूल काफी उड़ती है, इसलिए दो पहिया वाहन चालक यहाँ पर अपने वाहन लेकर आते हैं उस धूल से बचने के लिए। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ नीचे खतरों के खिलाड़ी सीनी में दिखाई देंगे, ये सारे खतरों के खिलाड़ी हैं। ये देखिए एक मोटरसाइकिल यहाँ से जा रही है और ये धीरे धीरे यहाँ से इसे नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं, दो लोग आए और आकर के यहाँ से नीचे इस मोटरसाइकिल को देखिए, ये मोटरसाइकिल नीचे उतर गया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कतई नहीं है। धूल उड़ती हुई आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही होगी। ये आलम है, एक तरफ सूख रही है मक्का, एक तरफ मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, और 18 दिसंबर 2023 को लाइट यहाँ से वहां तक ऊपर जलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर भी एक लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। आखिर किस तरह का प्रबंधन है ये कहना बहुत मुश्किल है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी के लालटेन के 596 एपिसोड, फिलहाल इतना ही। हम थोड़ा सा आपको रोक कर हम दिखाएंगे, देखिए पटरियों के बीच में से किस तरह से जान को जोखिम में डाल रहा, कुछ लोग पटरियों पर बैठे हैं, कुछ महिलाएं पटरियों पर बैठी हुई हैं, और एक सज्जन सर पर कुछ रख कर यहीं से चले आ रहे हैं। ये सिग्नल के रैक पॉइंट का आलम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी के लालटेन के 596 एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी की लालटेन सहित अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन का 597 एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। अखिलेश दुबे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी, उनके साथ हम जल्द हाजिर होंगे, फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।